में मैं संगीता भटिया आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं प्रोलिक स्टेज पे बहुत सारे कंटेंट अपलोडेड हैं। आप चाहें तो ट्रैकिंग ले लें, हैंडीक्राफ्ट ले लें, कुकिंग ले लें, या फिर आप चाहें तो फूड प्रिजर्वेशन से रिलेटेड वीडियोस ले लें, बट आपके जो व्यूज़ हैं वो बहुत कम आते हैं, यानी कि आप शेयर करने और साथ ही साथ लाइक करने में भी कंजूसी कर रहे हैं। तो आप इसे थोड़ा बढ़ाइए ताकि वीडियो अपलोड करने में हमें भी थोड़ा काम करने में मज़ा आए। इसके अलावा फोलिक ब्यूटी चैनल भी है जिसमें ब्यूटी से रिलेटेड आपको कंटेंट मिलेगा। ब्यूटी से रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट मिलने वाला है, बस सिर्फ यही है कि अगर कोई देखने वाला नहीं होगा तो वीडियो अपलोड करने का क्या फ़ायदा। वीडियो इसी वजह से फोलिक ब्यूटी चैनल पे बिल्कुल भी अपलोड नहीं हो पा रही हैं, तो आप उस पर भी विजिट कीजिए। अगर वीडियो पसंद आती हैं तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए आज का कंटेंट शुरू करते हैं, और कंटेंट शुरू करने से पहले एक बार फिर से आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपको आज का कंटेंट पसंद आता है तो बिल्कुल भी कंजूसी ना कीजिएगा इसे शेयर करने में, और थम्स अप तो जरूर से कीजिएगा। थैंक यू। एक नन्हे मुन्ने सब्सक्राइबर की डिमांड को फुलफिल करते हुए फ्रोलिक स्टेज आज आपके लिए लेके आया है रॉक्स पेंट, यानी कि स्टोन पे जो पेंटिंग की जाती है उसे किस प्रकार से कर सकते हैं। ये जो बच्चा है नन्ना मुन्ना सब्सक्राइबर, इसने आगे पॉट वगैरह बनाया और सेकंड प्राइज जीता था। आज इनकी डिमांड है कि रॉक्स पेंटिंग के बारे में बताया जाए, तो बहुत ही इजी वे में आप इसे किस तरीके से कर सकते हैं वो वीडियो मैं आपके लिए लेके आई हूँ। आप इसे मार्बल इफेक्ट देना प्लस इसमें जो जो टेक्निक्स हैं वो सब इस वीडियो में पूरा एंड तक आप देखेंगे तो क्लियर हो जाएंगी। डिफरेंट आप देख रहे हैं जो इफेक्ट दिए गए हैं, किस प्रकार से दिए गए हैं इस वीडियो में, वो सब मैंने शेयर किया है। आगे स्टोन पेंटिंग को लेके और भी वीडियोस में अपलोड करूंगी। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। स्टोन आर्ट के लिए हमें इस तरह के स्टोन चाहिए। ये स्टोन आपको रोड साइड पे मिल जाएंगे या फिर कहीं सड़क वगैरह बन रही हो तो वहाँ मिल सकते हैं, नर्सरी पे मिल जाते हैं, इसके अलावा रिवर के आसपास भी मिल जाते हैं। इन स्टोन को लेके हमने अच्छे से धो लेना है। धोने के बाद इस तरीके का एनामल पेंट आते हैं, मार्केट में ये इजीली अवेलेबल हैं, किसी भी पेंट शॉप से आपको मिल जाएंगे। मैंने इन स्टोन्स पे ब्लैक पेंट किया है, ब्लैक एनामल पेंट को लेके एक कोट मैंने इस पे किया है। अब जो टेक्निक्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इसके लिए हमें चाहिए एक बकेट, पुरानी आप कोई भी बकेट या कोई बड़ा बर्तन ले लीजिएगा। उसमें हमें लेना है पानी, मैंने यहाँ तक पानी लिया हुआ है, पानी भर लेना है। दो या तीन टेक्निक मैं इसमें आपके साथ शेयर करूँगी, जो भी आपको पसंद हो आप उसके अकॉर्डिंग इन स्टोन पे स्टोन आर्ट को कर सकते हैं। फर्स्ट मार्बल इफेक्ट देने के लिए मैंने लिया है ब्लैक के साथ वाइट शेड। कोई भी ब्रश की उल्टी डंडी या फिर पेन से आप इसे कलर को, एनामल पेंट जो भी लेंगे आप उसे पहले शेक करेंगे, अच्छे से शेक करना बहुत ज़रूरी है। शेक करने के बाद हम इस तरीके से ब्रश से ही ड्रॉप्स इसमें गिरा देंगे। स्टोन को आपने इस तरीके से पकड़ना है, यानी कि जो आपके फिनिशिंग वाला हिस्सा है वो नीचे आएगा, और इस तरीके से हमने पानी में डिप करते हुए बाहर निकाल लेंगे। इस तरीके से पानी में डिप करके हमने बाहर निकाल लेना है और इसे एक साइड पे रखेंगे। एक बार फिर से देखेंगे, स्टोन को आपने फ्रंट साइड जो आपकी ऊपर वाली साइड है उसको आपने अंदर की तरफ करते हुए पानी में कलर की तरफ अंदर की ओर डिप करना है इस तरीके से, और टेक्सचर को ऊपर स्टोन पे ले लेना है। आप चाहे इन स्टोन्स को एज ए पेपर वेट यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आप गार्डनिंग का शौक रखते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छे इफेक्ट्स ये मिलते हैं आपको स्टोन पे, और बहुत जल्दी ये हो जाता है। इसी में एक मेथड और हम देखेंगे, हमने अगेन कलर को मिक्स करना है। ये भी मैं ब्लैक एंड वाइट का ही टेक्सचर ले रही हूँ। अब हमने एक लेनी है स्टिक, स्टिक से हम इस पानी को रोटेट करेंगे, हमने पानी को पूरा घुमा देना है। घुमाने के बाद घूमते हुए पानी में हमने स्टोन को इस तरीके से डिप करके निकालना है। एक स्टोन पे और देखेंगे, पानी को अगेन हम रोटेट करेंगे। और घूमते हुए पानी में ही हमने स्टोन को सेंटर में डिप करके निकाल लेना है। ये देखिए, ये इस तरीके का एक लाइट स्मोकी सा टेक्सचर इस पे क्रिएट हो जाएगा। अभी हमने सिंगल कलर यानी कि ब्लैक और वाइट का टेक्सचर क्रिएट किया है, अब हम मल्टी कलर में देखेंगे। तो मल्टी कलर में मैं ले रही हूँ वाइट, एक मेरे पास है येलो कलर,
तो इसे भी मैंने शेक कर लिया है। कोई भी कलर आप यूज करेंगे तो उसे पहले अच्छे से शेक करेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग कलर को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जो कलर आपको ज़्यादा चाहिए आप ज़्यादा ले सकते हैं, कम चाहिए तो आप कम ले सकते हैं। यहाँ मैंने 4 कलर इसमें ऐड किए हैं, वाइट है, येलो है, रेड है और अब मैं ले रही हूँ ग्रीन। कलर को डालने के बाद स्टोन को हाथ में पकड़ के एक साइड से हमने स्टोन को अंदर डिप करना है। हाफ पोर्शन पे ही लेना है जितना कि हम बाहर की तरफ हाईलाइट करेंगे। टेक्सचर को लेने के बाद हम स्टोन को इस तरीके से रख देंगे। पानी को ध्यान रखना है, हमने हिलाना नहीं है। जैसा जैसा आपको टेक्सचर चाहिए आप उस तरीके से टेक्सचर को उठाते रहेंगे। जो कलर आपको जिस स्टोन पे ज़्यादा चाहिए आप उस तरफ से इसे डिप करेंगे और इस तरीके से उठा लेंगे। अब ये तो मैंने बताया आपको ब्लैक कलर करने के बाद, अगर आप चाहें तो सीधा स्टोन को लेके आप इस पे भी इसी तरीके से टेक्सचर को ले सकते हैं। इसका इफेक्ट भी बहुत अच्छा आता है। पानी में अगर कलर कम हो जाता है तो जहां जहां कलर है आप एक या दो बार उसमें डिप करके कलर को ले सकते हैं इस तरीके से। अभी मैंने इसमें 3 शेड डाले हैं, ग्रीन, येलो और रेड। अब हम रोटेटिंग मेथड से बनाएंगे, यानी कि पानी को हम रोटेट करेंगे और बिल्कुल सेंटर में लेते हुए डिप करके हमने स्टोन को एक बार या दो बार जितना आपको थिक या थिन टेक्सचर चाहिए उतना आप इस पे ले लेंगे। काम खत्म होने के बाद डिब्बों को अच्छे से टाइट से बंद करके रखिएगा, वरना कलर जो है वो सूख जाते हैं। ब्रश वगैरह को तारपीन के तेल से, हाथों को तारपीन के तेल से आप अच्छे से क्लीन कर लीजिएगा। इन स्टोन्स को एज इट इज ऐसे ही पड़े रहने दीजिएगा जब तक कि ये पूरे सूख ना जाएं। इसे सूखने में अगर आप ये काम धूप में बैठ के करते हैं तो सबसे बेस्ट है, अदरवाइज आप जब तक सूख नहीं जाए आप इन्हें बिल्कुल भी छेड़ेंगे नहीं। मार्बल इफेक्ट के पूरे सूख जाने के बाद इस पर एक कोट वार्निश किया जाएगा। क्लियर वार्निश आपने लेनी है और एक कोट कर देना है जिससे कि ये एक ग्लॉसी लुक में आ जाएंगे और बहुत ही सुंदर लगते हैं। आई होप कि आज का कंटेंट आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आप इसे एज ए पेपर वेट यूज कर सकते हैं, साथ ही साथ आप इसे डेकोरेटिव आइटम के तौर पे यूज कर सकते हैं। सिंपल से स्टोन हमारे बहुत काम आ सकते हैं। आप गार्डनिंग का शौक रखते हैं तो वहाँ भी इसे अपने गार्डन में कलरफुल लुक देने के लिए यूज कर सकते हैं। वंस अगेन फिर से कह रही हूँ, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू।